डुमरी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 4 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है और 4 राउंड की गिनती के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी करीब 670 वोटों से आगे चल रही है। अभी जो 4th राउंड की जो घोषणा हुई है उसके अनुसार 14,661 वोट बेबी देवी को अब तक मिल चुके हैं। वहीं यशोदा देवी को 13,991 वोट मिले हैं। दोनों के वोट को जो है घटाइएगा तो पता चलेगा कि करीब 670 वोटों से बेबी देवी आगे चल रही हैं। बहुत ही क्लोज, बहुत मुकाबला है और यही वजह है कि अभी थोड़ी खामोशी यहां पर पसर गई है। लेकिन जिस तरह से पहले और दूसरे राउंड में यशोदा देवी जो आंसू की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही थी, तीसरे राउंड में बेबी देवी आगे हुई और 4th राउंड में भी अभी बेबी देवी आगे हैं। अभी क्या लग रहा है, बहुत क्लोज हो गया मुकाबला? जी सर, मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। अभी हम डुमरी में हैं, जहां यशोदा देवी का ससुराल कहा जाए वहां पे हैं, उसके घर पे हम उसके घर पे घुसे हुए हैं हमारे, और उसके घर में हम 670 वोट से आगे हैं। अच्छा, तो हमारे यहां जब जाएंगे तो हम पीछा छोड़ेंगे नहीं उसको, और वहां हम कहीं दूर दूर तक सटने नहीं देंगे। इसलिए अभी हम जब इनके घर में बढ़त बनाए हुए हैं तो हम और आगे भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि अभी जो वोटों की गिनती हो रही है वो यशोदा देवी का गढ़ ये लोग मान रहे हैं कि उनका घर है, ससुराल है, और यही वजह है कि यशोदा देवी जो है अभी टक्कर में है। लेकिन अब जब दूसरे इलाके की वोटों की गिनती होगी उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी जो है उनका जो फासला है वो काफ़ी अधिक हो जाएगा। एक बार हम शुरू से बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे वोट जो है राउंड वाइज जो है मिले हैं। पहले राउंड की जब गिनती समाप्त हुई उस दौरान बेबी देवी को कुल वोट मिले करीब 2859 वोट और यशोदा देवी को वोट मिले 4424 वोट। दूसरे राउंड में बेबी देवी को जो वोट मिले दूसरे राउंड तक अगर तो टोटल वोट जो है वो 7355 वोट, वहीं यशोदा देवी को 5457 वोट मिले। तीसरे राउंड के बाद बेबी देवी का जो कुल वोट है वो हो गया 11495 और यशोदा देवी का जो है कुल वोट हो गया 8807 और चौथे राउंड में 14,661 और यशोदा देवी का वोट हो गया 13,991। अगर इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो पता चलेगा कि करीब 670 वोटों से बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं वह आगे चल रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर अभी 5वें राउंड की भी घोषणा हो जाएगी। एक बार पूरा भीड़ दिखा दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो दिख रहे हैं, जबकि मुकाबला जो है अभी तक कांटे के टक्कर है, क्योंकि 500-600 वोटों का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब से पहले जो घोषणा हो रही थी यही माना जा रहा था कि अलग अलग राउंड की घोषणा हो रही है, लेकिन अभी बताया गया कि सभी राउंड को गिन कर जो है यहाँ पर घोषणा किया जा रहा है। और यही वजह है कि अभी पता चला कि करीब 670 वोटों से जो है आगे चल रही हैं बेबी देवी, 670 वोट से आगे चल रही। जी हाँ जी, क्या क्या लिखे हैं आप बताइए। देखिए पहले राउंड का है 2859 वोट बेबी देवी का, और यशोदा देवी का 4,424 वोट। दूसरे राउंड का है 7,355 है बेबी देवी का, और यशोदा देवी का दूसरे राउंड का है आपका 5,457। तीसरे राउंड का है बेबी देवी का 11,459 वोट, और यशोदा देवी तीसरे राउंड में है 8,807 वोट। चौथे राउंड में है 14,661 वोट बेबी देवी का, और यशोदा देवी का है 13,991 वोट। ये कुल मिलाते अगर है माइनस प्लस करते हैं तो हम लोग 670 वोट से हम लोग लीड हैं अभी। जी तो बहुत कम फासला है लेकिन। हाँ जी, देखिए उनके घर में हम लोग बढ़त बनाए तो बहुत बड़ी बात है। उनका घर है, बेबी देवी का ससुराल माना जाता है, तो जाहिर सॉरी यशोदा देवी का, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ टक्कर होगा। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएगा वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल। अभी कितने राउंड तक आप लोग आ जाएगा और ज्यादा आगे फासला? देखिए ये 10 से 11 राउंड जाते जाते स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी मतलब क्या हो पाएगा, अभी इसकी क्या स्थिति रहे। जी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये 10 से 11 राउंड में हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि हम लोग जीत गए हैं, कंफर्म। जीत तो स्पष्ट है हमारी, जीत तो स्पष्ट है हमारी, सिर्फ औपचारिकता जो बाकी है। जीत का जश्न हम मनाना शुरू कर दिए हैं राउंड के अनुसार, उसमें कहीं कमी नहीं है, बट क्या है जो औपचारिकता वो पूरी हो जाए। हम जब इनके घर में बढ़त बनाए हुए तो हमारे घर में क्या है, हम तो जीते हैं, और पूर्व माननीय मंत्री ऊपर से भी देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी बना हुआ है, और आज ऊपर से भी खुश, उनका आत्मा को भी खुश रहेगा, उनका भी चरण वंदन नमन करते हैं, उनका आत्मा को भी शांति दे, और सच्ची श्रद्धांजलि डुमरी की जनता दी है।
इसलिए जनताओं को भी धन्यवाद। सनी भाई, नावाडी जो है सो जेएमएम का गढ़ कुनमा माना जाता है। अगर यहाँ पांचवे राउंड आ गया, पांचवे राउंड तो देखिए अभी पांचवें राउंड की घोषणा हो चुकी है और आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी आगे हो गई हैं। आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को 18,446 वोट मिले हैं, वहीं पांचवें राउंड के बाद बेबी देवी को 17,356। तो अभी जो है यशोदा देवी आजसू की उम्मीदवार जो है लीड कर गई हैं। और उसके बाद देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जो है यहाँ पर उदासी और निराशा जो है छा गया है, चुप्पी यहाँ पर छा गया है। क्या अभी तो बहुत दावा कर रहे थे, देखिए बिल्कुल 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 पीछे हो गए। नहीं सर, अभी क्या, अभी इनके घर पे, हम तो बता रहे हैं आपको, हम इनके घर पे हैं। मुकाबला तो करना पड़ेगा, संघर्ष हमारा जारी है, मुकाबला तो करना पड़ेगा ना, संघर्ष मेरा जारी है। इनके घर में है, एक बूथ में पछाड़ दिए तो क्या हुआ। हम अभी अभी भी हम हौसला हारे नहीं है और हारेंगे भी नहीं, जीत हमारी होगी। हार जीत उठा पटक। देखिए अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि पांचवें राउंड की गिनती के बाद आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी आगे हो गई हैं। यशोदा देवी को अब तक 18,446 वोट मिल चुके हैं, वहीं बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं उन्हें 17,356 वोट मिले हैं। मतलब यशोदा देवी आगे चल रही हैं, करीब 1130 वोटों से आगे चल रही हैं यशोदा देवी, आजसू की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार। तो अब बढ़त एक बार फिर धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है, चौथे राउंड तक करीब 670 वोटों से बेबी देवी आगे थी और पांचवें राउंड में यशोदा देवी आगे हो गई हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिए कि किस तरह से खामोशी जो है वो छा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जैसे जैसे घोषणा हो रही है और पता चल रहा है कि आजसू की उम्मीदवार आगे हैं तो ये चुप हो जा रहे हैं। क्या चुप हो गए? किसी तरह से कोई चुप नहीं है, कोई कहीं चुप नहीं है, किंतु परंतु उदास हो जा रहे हैं थोड़ा। उदास कहाँ से, कैसी उदासी, ये तो कुछ कहीं कुछ उदासी का है ही नहीं, बात ही नहीं है। ये तो देखिए, ये तो अभी चलता ही चलेगा। आजसू के लोग कहाँ है, कोई दिख नहीं, कहीं नहीं दिखेगा। हाँ देखिए देखिए आजसू के लोग यहाँ पर पहुँच चुके, आजसू के। हाँ सर, आजसू का कोई दिख ही नहीं रहे, आप लोग बड़े आगे हैं आप लोग। देखिए सर, सबको उम्मीद लगाए बैठे हैं, जीत जो होगी ना उस पे हम लोग डिपेंड करते हैं। पहले उछलते बोलने से क्या जरूरत है, पहले बोलने से क्या, जब जीत हो जाएगी ना तब देखेंगे। अकेले आए हैं? अकेले नहीं आए हैं सर, बहुत सारे समर्थक हैं जो मतलब इधर उधर बैठे हुए हैं। देखिए खुश है ना, अभी पांचवे राउंड में आप लोग आ गए। हम लोग जब वोट दिए तबे से खुश है सर, तबे से। हाँ। क्या लग रहा है, क्या होगा? उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम आजसू पार्टी जीतेगी, यशोदा देवी जीतेगी। लोग बोल रहे हैं कि आपके गढ़ में ये लोग इतना टक्कर दे दिए तो आगे तो अभी बहुत ये दे रहे हैं। अलग की बात है, दे टक्कर तो उठा पटक होबे करेगा, जीत जिसको होगी उस पे बढ़ रहे हैं ना, और हम जीत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। वोट से जीतिएगा आप लोग, क्या लग रहा है? हम तो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे कि जीतेंगे, चाहे जितना वोट। ये तो उम्मीद लगाए बैठे सर, ये तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम चार बार जीत के बैठे और पांचवा बार जीतने जा रहे हैं। ये तो आंसू के लोग, ये लोग जो है ये उम्मीद में। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मानना होगा, पीछे है फिर भी इतना जोर से। पूरा ही चुनाव जीतेंगे, पांचवा जी चुनाव हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइगर जगन्नाथ महतो का क्षेत्र है और ये गढ़ में कम नहीं है। इस बार इतिहास बदलेगा क्या सर? क्या बोले, आंसू पार्टी शुरू से ही बोल रही है कि हमने भागने पर विश्वास नहीं किया, हमने जीत के विश्वास किया और जीतेंगे। और जीत का पहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, ठीक है? हम दोनों एक ही पंचायत के, हम दोनों एक ही पंचायत के हैं। हम आशा विश्वास लगाए बैठे कि आंसू पार्टी जीतेगी, ठीक है? देखिए दोनों एक ही पंचायत के हैं, ये आजसू से हैं, ये जेएमएम से हैं। दोनों जो है अलग अलग दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे और गला भी मिल रहे हैं। ये अच्छा लगा देख के कि भाई जीत हार की गला मिल रहा है सर। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग मिलजुल के गांव घर में भी एक साथ रहे, उसमें किंतु परंतु नहीं, खतराना भी बिल्कुल एक साथ रहे। कितने नेता आएंगे, कितने विधायक मंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन हम आपको एक जगह रहना है, इसलिए हमने वो सौहार्द को दिखाया है, लेकिन क्या हम लोग एक हैं। पीछे होते ही आपका भाषा बदल जा रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं, हम पीछे जरूर है। देखिए हम आगे पीछे हो सकते हैं, हम इनके घर पर हैं, हम बता रहे हैं आगे पीछे हो सकते हैं। चार बार चुनाव जीते हैं, पांचवा चुनाव भी मेरे हाथ में होगा, ये बात हम बता रहे हैं। और ये क्या लग रहा है कि बदलेगा? धैर्य है, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि इतिहास बदलेगा। उनकी सरकार थी, उनकी बोलबाला बहुत ज्यादा था, धर्म पर। आजसू पार्टी के उम्मीदवार थोड़ा मतलब
क्या बोलते हैं धन संपत्ति में कमजोर था, मतलब तो इसमें जो है धनबल की हार हो रही है, धनबल का जीत होगा। देखिए इसमें उमरी में अगर यदि ये बोल रहे हैं कि धनबल में कम है तो गलत पार्टी है, विकास की पार्टी है। उतना देर तक तो जेएमएम के लोग बोले, ठीक है सर, जैसे जेएमएम का पार्टी चार बार जीती हुई पार्टी है, ठीक, वो तो विकास करवे पार्टी में जीती हुई तो विकास तो करवे करेगा, अगला उम्मीदवार जीती नहीं है तो विकास क्या करेगी, नहीं कर पाई है तो लोग थोड़ा दिए वोट, मगर मन में थोड़ा डर भी है, मगर डर के आगे जीत है, यही उम्मीद के साथ हम लोग भी यहाँ टिके हुए हैं कि डर के आगे जीत। क्या सुप्रीमो जो कि सुदेश बाबू जो कि झारखंड के चार बार मंत्री रह चुके हैं तो विकास क्यों नहीं करेंगे, एक बार जीतेंगे, वो चार चार बार मंत्री रह चुके हैं, सुदेश बाबू जो है झारखंड के चार चार बार मंत्री रह चुके हैं तो विकास क्यों नहीं किया डुमरी का। हमारे स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ बाबू जो डुमरी को जो विकास किए हैं, धरातल पर जो लाए हैं, उसका कोई जोड़ ना कोई तोड़ है ना कोई तोड़ उसको निकाल सकता है, जिस तरह से वो डुमरी का विकास किए हैं, चौमुखी विकास किए हैं, ठीक है। यहाँ तो सीपी चौधरी जो हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जो हमारे गिरिडीह लोकसभा से सांसद हैं, अभी एक बार भी कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आते हैं कि हाँ हम ये चीज वहाँ चीज के, कहीं भी शिलापट उसका दिखा दीजिए कि हम यहाँ आज फूल का उद्घाटन किए हैं, हर जगह आपको स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो का ही शिलापट मिलेगा, रोड हो या पुल हो या स्कूल हो, हर जगह आपको स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो का ही मिलेगा, ठीक है, इसमें किसी तरह कोई संशय नहीं है। तो देखिए अभी जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि 5 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, 5 राउंड की गिनती के बाद आशु की उम्मीदवार यशोदा देवी को 18,446 वोट मिले हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी को 17,356 वोट मिले हैं, यानी कि 1130 वोटों का अंतर है, 1130 वोटों से आशु की उम्मीदवार यशोदा देवी फिलहाल आगे चल रही हैं, और यहां पर ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार आगे चलती हैं ये जोर से यहाँ पर नारा लगाने लगते हैं, जैसे ही यशोदा देवी आगे चल रही हैं उसके बाद यहाँ सन्नाटा पसर जाता है, आशु के बहुत कम नहीं है, नहीं सन्नाटा कैसे पसरेगा, थोड़ा सा उदास लग रहे हैं, नहीं उदास नहीं है, कम बेसी तो होते रहेगा, कभी ज्यादा वो होगा कभी ये होगा, ऐसा तो होता ही रहता है, अभी 24 राउंड आने दीजिए ना, कौन आगे जाता है देखते है, घुसने दीजिए ना उसके, नावाडी घुसने दीजिए, नावाडी में नजर नहीं आएगा आशु, लेकिन आशु बोल रहा है नावाडी में इस बार नहीं होगा, नहीं होगा दावे के साथ कहते हैं, पक्का नावाडी प्रखंड में भी रहेंगे, चंद्रपुरा प्रखंड भी, अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों को विश्वास है कि अब दूसरे इलाके की जब वोटों की गिनती होगी तो इनकी जो उम्मीदवार है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया की जो उम्मीदवार है बेबी देवी वो बढ़त लेंगी। इधर एक बार दिखा दीजिए कि देखिए ये काउंटिंग स्थल है, यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और लगातार यहाँ जो चोंगा लगा है उससे घोषणा यहाँ पर हो रहा है, और जैसे जैसे घोषणा हो रहा है और लोग उसे नोट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो उत्साह है वो जो है बढ़ जा रहा है। सेकेंड राउंड में जो 446 हम बोल रहे थे वो 486 है, एक बार फिर से हम पूरा बता दें कि कितना है, 1130 वोटों से जो है यशोदा देवी आगे हैं, इंडिया की प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी को 17,356 वोट मिले हैं, वहीं एनडीए और आशु की प्रत्याशी यशोदा देवी को 18,486 वोट मिले हैं। पाँचवें राउंड के बाद यशोदा देवी 1130 वोटों से आगे चल रही हैं, और ये आप काउंटिंग स्थल के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, और इधर भी एक बार दिखाई गई किस तरह से भीड़ है जो लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे घोषणा हो, कई लोग जो है अब जीत के बाद जश्न की भी तैयारी कर लिए हैं, विजय जुलूस निकालने की तैयारी कर चुके हैं, और इस भीड़ में हम खोजते हैं कि आशु के और कितने लोग हैं और कौन कौन लोग है अपना दिखाइए, है बहुत सारे लोग हैं, चलिए बात करते हैं, दिखाइए आशु के लोग दिख, आशु के उम्मीदवार आगे चल रही है और आशु के लोग ही नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है होगा तो जरूर सर, हाँ तो देखिए आशु के उम्मीदवार जो है दूसरी ओर है, अब कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, आप देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर पहुँचे हैं,
क्या कौन लग रहा है? बेबी देवी, बेबी देवी, यशोदा देवी आगे हो गई। बेबी देवी, यशोदा देवी कहाँ है? अभी अभी तो शुरू है, नहीं है तो हम लोग है ना सर प्रत्याशी, हम खड़ा मारेंगे हम लोग। ये एक दो का भीड़ है, जीत इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए। आप लोग आशु से हैं? नहीं, तो जेएमएम से हैं। जेएमएम से हैं जी। जेएमएम तो पीछे अभी चल रही है प्रत्याशी, जेएमएम वो उठा पटक अभी होते रहता है। अभी आने दीजिए जगह पर, अभी गिलास में गिनती चल रहा है। अभी जो हम लोग अभी कार्टून में पैक करके रखे हैं वो बाकी है, अभी उसको कार्टून को खोलने तो दीजिए। कौन वाला गिलास बोल रहे हैं? पानी पीने वाला गिलास है ना, वो गिलास है। नहीं, मंत्री जी का विभाग है वही वाला ही। नहीं नहीं नहीं, वो मंत्री जी का विभाग है वो गिलास नहीं, विभाग अपनी जगह में है और पानी पीने वाला गिलास अलग जगह अपनी जगह। फिर इसके बाद क्या लोटा वाला आएगा? हाँ, आप बोले गिलास फिर लोटा आएगा? नहीं लोटा नहीं, कार्टून, कार्टून, कार्टून आएगा, कार्टून आएगा सीधा, कार्टून आ जाएगा पैक। आशु है तो देखिए, आशु के जो समर्थक हैं उन्हें यहाँ पर खोजना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जबकि आशु की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। और आप देखिए, अभी अभी आप ज्यादा नहीं, एक घंटा, अभी आप एक घंटा बाद देखिएगा उन लोग को, और नहीं कोई मिलेगा। आप एक घंटे इंतजार कीजिए, नजर नहीं आएंगे। ये हमारे इस्लाम भाई है, इस्लाम भाई हमारे हैं। क्या लग रहा है? अभी तो पाई चालू वाला है, हमने को खोटा भाषा में अभी पहला खुलल ना है। हाँ, पहला खुलल बाकी है। अभी उदास लग रहे हैं? तो उदास नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है, उसको जरा नहीं है उदास। हम लोग अस्वस्थ हैं, कोई उदास नहीं है। ये जितना देख रहे हैं ना झारखंड मुर्चा मोर्चा का, सब टाइगर है और उदास कोई नहीं है। टाइगर रहेंगे। अगर आप उदास है तो आप बोलिए, आपको भी है। जिंदा रहेंगे। देखिए ये तमाम भीड़ है, हम कोशिश करेंगे कि और कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अमर रहे, अमर रहे, अमर माता, अमर रहे। बोलिए क्या लग रहा है? पीछे हो गए आप, सुनिए ना। अभी रात अभी बाकी है, सुनिए ना, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अभी आधार कर रहे हैं। अभी जब नावाडी जब चाहे चले आइएगा ना, उसके बाद देखिएगा कि बेबी देवी हमारी कितना बढ़त बनाएगी। तो अभी तो देखिए पांचवें राउंड की गिनती के बाद बेबी देवी आगे, बेबी देवी पीछे चल रही हैं और यशोदा देवी आगे चल रही हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो बैठ कर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और कई लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात कर सके। तो क्या आप लोग किधर से हैं? यशोदा देवी आगे हैं, जीत रही हैं, और आप लोग एकदम सुस्त, जीत का जश्न मना रहे हैं। हम लोग भी बैठे हैं, दिख तो नहीं रहा है, हम लोग आंकड़े आंकड़े कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी आशा है, आशा है ना, एकदम पूरा विश्वास। अभी तो आगे है, करीब 1130 वोट से आगे हैं, आगे है अभी, आगे है। तो देखिए आशु के जो समर्थक हैं वो थोड़ा शांत हैं, ज्यादा उत्साहित नहीं हो रहे हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से दीवार पर चढ़कर जो है लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे जो घोषणा हो रही है और उसके बाद इधर जो है उत्साह जो है बढ़ जा रहा है। क्या पता चला आप लोगों को? देवी देवी जिंदाबाद। अभी तो यशोदा देवी आगे हो गई है। नहीं, कुछ कुछ नहीं कर सके, केला सड़ गया, यहाँ केला एकदम सड़ गया। अभी जेएमएम जीतेगा, बेबी देवी जीता, टेलर है। हाँ, अभी फिल्म बाकी है, तो टेलर में वो आगे हो गई, लेकिन टेलर का वैल्यू नहीं रहता है, 2 मिनट का है। हाँ, अभी हम लोग 3 घंटा का पिक्चर अभी बाकी है, देखिए आगे क्या होता है। रुके रुके, तो देखिए अभी यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हुई, छठे छठे राउंड की गिनती के बाद बेबी देवी को 30,303 वोट और यशोदा देवी को करीब 22,000 वोट मिले हैं, यानी 8,000 वोटों से जो है बेबी देवी आगे। अभी
तीन घंटा से फिल्म अभी बाकी है। ट्रेलर में देखिए वो आगे थी, लेकिन अभी तुरंत दो मिनट में अभी हमारा साथी जो है मीडिया वाले बोला कि जसोदा भी आगे, लेकिन हमने बोले दो मिनट का ट्रेलर है, लेकिन तीन घंटा का अभी पिक्चर बाकी है। आप आगे इनकलाब जिंदाबाद। केला जो है कहाँ जो चल जाएगा कोई पता नहीं है, और हम लोग जेएमएम है, शुरू से आखिरी तक हम लोग जीते हैं और जीत के रहेंगे, और इनका स्वभाव कोई डुमरी और नावाडी में कोई बढ़ने वाला नहीं है। और सर देखिए उदास हो गए थे, लेकिन नहीं नहीं सर, हम देखिए अभी भी खुश हैं, हम लोग बरकरार रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना आज जगन्नाथ महतो जो करके गए हैं विकास, आज देखने वाला बात है। और देखिए कि आज जो है ना आज हम लोग जीतेंगे तय है 100%, और 1,00,000 जो पार बोले हैं उससे हम लोग जो है जीतेंगे जो तय है। सर हम यही बताना चाहते हैं आपको, आप शुभ न्यूज देना चाहते हैं कि हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 मेरा चैलेंज है। जेएमएम ओनली फोर, कोई नहीं है डुमरी में, कोई नहीं है टक्कर में। आने वाले दिन में राजू को हम लोग मंत्री बना के विधानसभा भेजेंगे, और फिर हम लोग डुमरी में गंगा का नदी बहेगा विकास का। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक उदास हो गए थे यशोदा देवी के आगे हो जाने से, अब जब 8,000 वोटों से बेबी देवी आगे चल रही है, तब एक बार फिर से ये आए हैं खुशी के साथ, खुश हो गए तुरंत। भैया 78 से काशी वोट से आगे चल रहे हैं, आप बोले थे निराश हो गए, ये चेहरा निराश हो सकता है, चश्मा उतार सकते हैं, चेहरा धूमिल हो सकता है, हम साफ कर सकते हैं, लेकिन चुनाव हार नहीं सकते हैं हम, ये आपको हम बताते हैं। और एक बात और है, यासू वाले को आपको लेकिन धड़कन आपका तेज हो स्वाभाविक है भैया, ये सब चीज जो प्रकृति का चीज उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप आंसू वाले को आप खोद रहे थे, तो आंसू वाले को इसलिए खोद नहीं मिलेंगे लोग कि 1932 का पहला मुद्दा करने वाला मर्द अगर को है तो टाइगर जगन्नाथ महतो था, इसलिए अभी सर हम आपको बोले थे कि अभी 1 घंटा इंतजार करिए, ये फील्ड में एक ही नजर आएगा, टाइगर ही नजर आएगा, सिर्फ जितना कार्य करता है सब टाइगर है, सब टाइगर है, समझते हैं। बस हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं सनी भैया, कुछ देर देखिए सब सुपड़ा, मतलब जितना भी मतलब आंसू के लोग हैं धीरे धीरे सब खिसक जाएंगे। आदमी है कि सबको टाइगर बना के छोड़ दिए है, जितना उसका कार्य करता है कोई कम नहीं है, सब टाइगर है। तो देखिए पांचवें राउंड की गिनती के बाद तक आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी करीब 1130 वोटों से आगे थी, लेकिन छठे राउंड के बाद जो समीकरण है वो पूरा बदल गया, क्योंकि करीब 7800 वोटों से बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं, इंडिया की उम्मीदवार हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, वो करीब 7800 वोटों से आगे चल रही हैं, बहुत बड़ा फासला हो गया। अब तक जो 6 राउंड की गिनती हुई है उसमें सबसे अधिक फासला हुआ है, और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हो गए हैं, लगातार व्हाट्सएप पर देख रहे हैं अपडेट, भीतर से आ रहा है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल, आप तो खाली हमारा जीत का मैंने एक घोषणा कर दे कि हम लोग अब जाएं। हर में हम लोग सारे तैयारी करके आ चुके हैं, बैंड 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 पार्टी जो भी होता है, बस यहाँ पार्टी भी किए, हाँ सब तैयारी हो चुका है, सब लगे हुए, सारे इंतजाम है, सब यहाँ पे औपचारिकता बाकी है, यहाँ से घोषणा कर दे हम लोग जाके वहाँ पे अपना जो भी कार्यक्रम हम लोग पूरा करेंगे। सड़ गया भाई, सड़ गया बेबी देवी जिंदाबाद, जगन्नाथ माता मर रहे, बेबी देवी जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, राजू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हुआ फिर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना? नहीं ठीक है, आश्वस्त है, आप ठीक रहिए, निराश होता है, नहीं ठीक है, चलो चलिए। तो देखिए जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही ज्यादा समर्थक है, और इनके दिलों की धड़कन जो है वो पड़ रही है। जन सैलाब दिख रहा है ना आपको यहाँ पे जेएमएम का, आंसू के लोग दिख नहीं रहे हैं, सब लोग सब भागे हुए हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने जो काम किया है 20 वर्षों में वो किसको दिखा रहे हैं? वो है हमारे वहाँ दर्शक सब देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप सामने आइए, कैमरा सामने कुछ बोलिए, अभी सामने हाँ बोल रहे हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं, अभी 8,000 आप वोट से आगे चल रहे हैं, अभी आप आंसू तरफ से भैया इधर पूछ रहे हैं मीडिया वाले,
तो देखिए करीब 7800 वोटों से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जो है बेबी देवी वो आगे चल रही हैं। एक बार फिर से इधर चलेंगे, आप देखिए एक बार घुमा के दिखाइए कि चारों तरफ क्या नज़ारा है। आप देखिए कि इधर सामने जो है ये काउंटिंग सेंटर है, मतगणना स्थल है और यहीं पर काउंटिंग हो रही है, और उसके बाहर ये भीड़ आप देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पर घोषणा हो रही है और उसके बाद इधर जो है उत्साह जो है बढ़ जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं उनके मन में, सब आप लोग जेएमएम के हैं? सब 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 भैया। क्या लग रहा है कितना वोट? 40,000 से लीड करेगा, 40,000 से, 40,000। अभी तो तेलो पूरा बाकी है, पूरा नावाड़ी प्रखंड है, चंद्रपुरा प्रखंड बाकी है। इसका क्षेत्र में हम लोग मात देने का काम किया है, डुमरी क्षेत्र में डुमरी मात देने का काम किया। अभी नावाड़ी और चंद्रपुरा अभी बाकी है। तो के राजू भैया जो बोले थे ना कि अब की बार 1,00,000 पार, वही है 1,00,000 पार, वही है 1,00,000 पार। सीएम साहब भी बोले थे कि अब की बार 1,00,000 पार। जीत, ये उपचुनाव है, जीत औपचारिक है, बस अब हम लोग फासला के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इतना फासला हो।